हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव की बधाई दी। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने कहा कि राज्यपाल के निजी कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण अब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया। साथ ही उन्होंने एसवाईएल के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एसवाईएल का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इस मामले का भी जल्द से जल्द निपटारा हो। उन्होंने अपने विकास का एजेंडा लोगों के सामने रखा। डिप्टी सीएम ने कहा कि कॉमन मिनिमम कार्यक्रम के तहत सरकार विकास कार्य तय करेगी। देशवासियों को 550वें प्रकाश पर्व गुरुपूर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यही सबसे अपील करता हूं कि जिस तरीके से गुरु नानक देव जी ने महिला सशक्तिकरण की बात हो, पर्यावरण की बात हो, भाईचारे को किस तरीके से धार्मिक पाबंदियों से ऊपर उठकर एक किया जाए, जो हमें सिखाया है उनको हम कैसे अपने जीवन में लेकर चले। मुझे लगता है इस 550वें प्रकाश पर्व पर हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ उन संत महात्माओं से, उन फकीरों से, उन गुरुओं से सीखना चाहिए। मंत्रिमंडल का विस्तार जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की चीज है, क्योंकि 9 तारीख को कई गतिविधियां थी, इस कारण उसको पोस्टपोन करना पड़ा। मामहिम भी क्योंकि उनके कोई परिवार में फंक्शन है, स्टेट में नहीं थे, शायद वो कल आ जाएंगे, उसके तुरंत बाद विस्तार भी हो जाएगा। मगर आपको ये विश्वास दिला देते हैं कि प्रदेश में स्थायी तौर पर कैसे मजबूती के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार चलाई जाए, ये इस गठबंधन का प्राथमिकता रहे। सतलुज यमुना लिंक का मामला सबजूडियस है और इनकमिंग वीक्स उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाना है। वाटर शेयरिंग जिसके ऊपर एप्लीकेशन लगी हुई थी, बिल्कुल प्रयास करेंगे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग 3-4 लंबे समय से लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने निपटाया है। ये भी एक ऐसा विषय है, इसके ऊपर भी मिलकर सुप्रीम कोर्ट एक्सपेडिशन के साथ निर्णय लेकर आए, ये प्राथमिकता हरियाणा सरकार की रही।